नमस्कार सभी को। आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि एमपी बीएड एडमिशन 2022 का अंतिम मौका आ चुका है। आपके पास सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इन 2 दिनों में अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पूरी प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले बता दूं, यह अंतिम मौका है। इसका नोटिफिकेशन हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर हायर एजुकेशन की वेबसाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीटीई के पाठ्यक्रम में द्वितीय चरण की अतिरिक्त काउंसलिंग 26 जुलाई से शुरू होगी। 26 जुलाई के दिन शुरू हो चुकी है। जैसे इसको क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा, जिसमें हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ डेट वाइज दिया हुआ है। 25 जुलाई को यह नोटिफिकेशन आया था, 25 जुलाई का यहाँ पर दिया हुआ है। मेन पॉइंट पर बात करेंगे हम यहाँ पर। 26 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और 28 तक चलेगा, यानी 26, 27, 28 आपको 3 दिन मौका दिया है, लेकिन आज का दिन नोटिफिकेशन में गुजर गया, सिर्फ 2 दिन आपके पास बाकी है। सत्यापन भी 26 से 30 तारीख तक होगा, और फिर आप 26 से 30 तारीख तक आप अगर कुछ भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, कुछ भी दिक्कत आती है तो हेल्प सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। 1-8 को उसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट के मेरिट अंकों की प्रविष्टि होगी, और फिर 2 अगस्त को आ जाएगा मेरिट सूची, और आवंटन आएगा 8 अगस्त को आपका अलाटमेंट लेटर आएगा। यानी कि आप अभी 26 तारीख को रजिस्टर्ड कराएंगे या 26 से 28 के बीच, तो आपका 8 तारीख को अलाटमेंट लेटर आएगा। 8 तारीख को अलाटमेंट लेटर आएगा, तो 8 से लेकर 13 तारीख के बीच में आप जितना भी डीडी बनवाने के लिए आएगा, 50, जैसे किसी का ओबीसी और जनरल का 16,000 और एसटीएससी का 5,000 डीडी बनवाने के लिए आता है। बाकी शेष नियम कानून यथावत है जो पहले था, ठीक है। बाकी अब चलिए बता देते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एचईडी हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट की वेबसाइट को जैसे ही खोलेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए हम आपके सामने खोल के दिखा देते हैं। जैसे एचईडी एमपी ऑनलाइन सर्च करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से कुछ पेज खुलता है। यहाँ पर हम एनसीटी काउंसलिंग पर जाएंगे और इस प्रकार से पेज खुलेगा। यहाँ पर पहले जब हम बीएड का रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते थे यहाँ पर, तो हमारे सामने कुछ दिक्कत आती थी, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, लेकिन अब यह अप्लाई बटन आ चुका है, इससे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपका भुगतान होने में कुछ दिक्कत है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद इस पेज पर जाके भुगतान कर सकते हैं। अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, इस लिंक पर जाके चॉइस फिलिंग हो जाएगा। यहाँ पर पहले नोटिफिकेशन नहीं आया था, जो सेकंड एडिशनल राउंड दिख रहा है उसमें पहले एडिशनल राउंड दिख रहा था, लेकिन अब सेकंड एडिशनल राउंड का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसको क्लिक करने पर आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो हम आपको दिखा चुके हैं पहले। और बाकी आपको बात बता दें कि जैसे ही आप इस अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। जैसे ही पहले फॉर्म भरा जा रहा था, वैसे ही फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद फिर आप चॉइस फिलिंग पर जाकर क्लिक करेंगे, और फिर चॉइस फिलिंग पर यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं चॉइस फिलिंग आता है, और यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया में यहाँ पर चॉइस फिलिंग आता है, जो 26 से 28 जुलाई तक होगा। क्लिक करके आप चॉइस फिलिंग वाले पेज पर जा सकते हैं। यह लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं, 26 तारीख से 28 तारीख तक। इसमें आप अपना चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जरूर करा लें, और वेरिफिकेशन के लिए 30 तारीख तक डेट है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।